Everyone, this is Vikas. Today I am going to start chapter 12, surface area and volume of class 10th math. This is part 1st of this chapter. In this video we will discuss about cuboid and cube. Both are 3D shape. You can see here it is diagram of a cuboid. A cuboid has 6 rectangular faces. Front faces, it is back faces and top, bottom, left and right face. सारे के सारे faces क्या हैं? Rectangular होते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, इसमें एल ए टू बी वही जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वही यूज होना है. ओके, तो बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए एंड टी एस ए एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. ओके, कर्व सरफेस एरिया में आपका टॉप और बॉटम पोर्शन जो है वो इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ आपका फोर वॉल का, फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट, ये चारों वॉल के जो एरिया है अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा. लाइकवाइज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या है, जितना भी इसका आउटर पोर्शन है सारे के सारे 6 फेसेस का, अगर आप उनकी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करोगे 6 का और उसको ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. ओके, एंड लास्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल बी एच. बेस एरिया की अगर प्रोडक्ट आप हाइट से कर देते हैं तो बन जाता है वॉल्यूम. ओके, नाउ नेक्स्ट शेप इज क्यूब. क्यूब में भी आपके यही फॉर्मूले होते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 4 साइड स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर, बिकॉज साइड इज हेयर ए, तो इसके भी 6 फेस होते हैं और कर्व में टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं तो हमारे कितने फेसेस हो गए, 4 फेसेस, और एक फेस का सरफेस एरिया कितना है, साइड स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 साइड स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 साइड स्क्वायर. ओके, टोटल में क्या है, सारे के सारे 6 के 6 फेसेस में इंक्लूड होते हैं. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब. बेस एरिया की प्रोडक्ट हाइट से कर देंगे तो आपका बन जाएगा ए क्यूब. क्लियर एवरीवन? ओके, थैंक यू.